नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग हब। दोस्तों आज के एडिटोरियल में बात करेंगे दोस्तों पंजाब में जो ड्रग का नेक्सस चला है और वहाँ के जो हर घर से एक बंदे जो 2/3 फैमिली है वो ड्रग से पीड़ित है। टू थर्ड फैमिली में के बीच में से एक फैमिली जो ड्रग से पीड़ित है, एक एस्टिमेशन के अनुसार बोल रहा हूँ जो कि इसी एडिटोरियल में है। तो ये जो ड्रग का वहाँ पे कारोबार फला फूला है इसको कैसे रोका जाएगा और इससे रिलेटेड जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो डिसीजन है इसी पे हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कि इसको कैसे रोका जाए और क्या एक्शन लिया गया है और ये कहाँ से फैल रहा है, इसको किस स्तर पे काम करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे कि इसको रोका जा सके। तो चलिए, जैसे कि हेडिंग आप देख लीजिए, हाई ऑन रियोटोरिक ऑन पंजाब ड्रग मेनेस। मेनेस का मतलब होता खतरा और पंजाब में जो ड्रग मेनेस है इसके बारे में बात की जाएगी। अब ये रियोटोरिक मतलब होता है किसी स्पीच के थ्रू किसी को इफेक्ट, मतलब किसी को अपने ओर प्रभावित करना। तो ये अब प्रभावित करने की बात हो गई कि ड्रग खतरा को कैसे दूर किया जाए। हम चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे मैं सब हेडिंग बता दूं, पंजाब ड्रग मेनेस डिमांड्स एन ऑल आउट वॉर दैट गोज बियॉन्ड एम्प्टी जेस्चर। यानी पंजाब में जो ड्रग का खतरा है अब वो डिमांड करता है, उसकी जरूरत है कि ऑल आउट वॉर होना चाहिए एम्प्टी जेस्चर के बियॉन्ड, यानी परे होना चाहिए, सिर्फ दिखावटी और खोखले वादे से काम नहीं चलने वाले, इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, इसको ऑल आउट वॉर के स्टार्ट। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को मेरा वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो वो चाहे तो इस लिंक पे जा सकते हैं, https ये जो लिंक दिया हुआ। और अगर वीडियो तब भी नहीं मिलता दोस्तों तो mathsforssc.com mathsforssc.com पे जाएंगे, वहां सारा वीडियो मेरा अपलोडेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट हैज टेकन पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ओवर अ ईयर। देखिए, इट हैज टेकन का मतलब क्या है, पंजाब चीफ मिनिस्टर, उनको लगा, पंजाब चीफ मिनिस्टर को लगा, क्या लगा, टाइम लगा, किस क्या लगा, ओवर अ ईयर एंड हाफ टू लॉन्च। देखिए, लॉन्च करने के लिए उनको 1.5 साल का समय लगा। इट हैज टेकन पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह लॉन्च हिज मच एंटिसिपेटेड वॉर ऑन ड्रग्स। देखिए, वॉर जो है ड्रग के खिलाफ उनकी जो मच एंटिसिपेटेड वॉर थी, बहुत उम्मीद की जा रही थी उनसे, उसको लॉन्च करने में उनको 1.5 साल का वक्त लग गया, वहां के चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस ही डिड ऑन July 4 बाय ऑर्डरिंग। देखिए, उन्होंने ये किया 4 जुलाई को, कैसे किया, बाय ऑर्डरिंग, ऑर्डर के थ्रू, बाय ऑर्डरिंग मैंडेटरी ड्रग टेस्ट। मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी, ड्रग टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उन्होंने क्या किया कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैंडेटरी कर दिया, नेसेसरी कर दिया ड्रग टेस्ट करने के लिए, अपने ऑर्डर में उन्होंने ये किया, 4 जुलाई को ऑर्डर दिया उन्होंने, इंक्लूडिंग पुलिस, पुलिस को भी इन्होंने इंक्लूड किया। वाइल जबकि दिस इज अ वेलकम, वाइल दिस इज अ वेलकम, ये एक वेलकम कदम है, जबकि उनका स्वागत योग कदम है। इवन इफ बिलेटेड, उनके विलंब करने के बावजूद, 1.5 साल करने के, 1.5 साल लगाने के बावजूद उनका जो ये कदम है स्वागत योग है, इट इज वेरी स्मॉल एंड इनसब्सटेंशियल, और ये बहुत ही छोटा कदम है और पर्याप्त नहीं है। इनसब्सटेंशियल मेजर उपाय टूवर्ड्स कर्बिंग एंड परवेजिंग ड्रग मेनेस। यानी उनका जो अभी ड्रग टेस्ट का ऑर्डर था, ये काफी स्मॉल कदम है, इनसब्सटेंशियल, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त उपाय नहीं है टूवर्ड्स की और कर्बिंग, यानी कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, जो कि परवेसिव ड्रग मेनेस है। ड्रग मेनेस का मतलब ड्रग का जो खतरा है, परवेसिव का मतलब होता, पोवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट और नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ द थिंग और प्लेस। यानी जो ये व्यापक तौर पे फैला हुआ ड्रग खतरा है, व्यापक, पोवेसिव मतलब अगर हिंदी में बात करूँ तो व्यापक, सर्वत्र विद्यमान, यानी चारों तरफ फैला हुआ, सारे जगह पे फैला हुआ। तो ये जो सारे जगह पे फैला हुआ ड्रग का खतरा है, इसको कर्ब करने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, इस जो उपाय किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है और ये बहुत ही छोटा है, ये अभी तक यहाँ बात की है। ठीक है, यानी उनका जो डिसीजन है वो पर्याप्त नहीं है।
फॉर समवन हु प्रॉमिस्ड टू वाइप आउट ड्रग्स फ्रॉम द स्टेट विद इन अ मंथ ऑफ बीइंग इलेक्टेड. वैसे लोगों के, ये फॉर समवन यानी यहाँ बात की जा रही है एक कि वैसे लोगों से जो जिन्होंने वादा किया था कि वो वाइप आउट कर देंगे, मिटा देंगे ड्रग्स को फ्रॉम द इस स्टेट से, फ्रॉम द स्टेट इस राज्य से एक महीने के अंदर, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर चुने जाने के बाद, बीइंग इलेक्टेड यानी चुने जाने के एक महीने के अंदर ही अंदर वो इस ड्रग को, ड्रग जो है, ड्रग का जो व्यापार है इसको मिटा देंगे, उन्होंने वादा किया था. वैसे लोगों से 1.5 साल लगाना ये उम्मीद नहीं थी उनसे. द कंडक्ट ऑफ एनुअल ड्रग टेस्ट ऑन सम 3.25 लाख एम्प्लॉई इज अ पीस ऑफ टोकेनिज्म. देखिए जो कंडक्ट ऑफ एनुअल ड्रग टेस्ट की बात की जा रही है, एनुअल ड्रग टेस्ट कराना पड़ेगा 3.5 लाख लोगों को, एम्प्लॉय को, ये एक तरह का टोकेनिज्म है. टोकेनिज्म मतलब दिखावा है, छलावा है, शो ऑफ करने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, टोकेनिज्म. ठीक है. मोर स्टेप्स आर नीडेड, और अधिक स्टेप्स इसके लिए जरूरत है. लेस मिस स्टेप्स, गलत कदम नहीं उठाने की जरूरत है, गलत कदम नहीं उठाना है. ठीक है. अभी तक बात की हम लोग दोस्तों कि जो ड्रग टेस्ट का वादा किया था उन्होंने रोकने का, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने वादा किया था कि चुने जाने के एक महीने के अंदर ही वो ड्रग खत्म कर देंगे, ड्रग का व्यापार पंजाब में. लेकिन 1.5 साल के बाद उन्होंने कदम उठाया है कि वहाँ के जो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इंक्लूडिंग पुलिस, सबको एनुअली ड्रग टेस्ट कराना होगा. लेकिन फिर भी यहाँ एडिटोरियल में एडिटर ने बोला कि चलिए आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप एक महीने के अंदर करेंगे, लेकिन आपने 1.5 साल लगाया इसको लॉन्च करने के लिए. लेकिन ये भी स्वागत योग्य कदम है आपका, और लेकिन ये पर्याप्त और सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है जिससे कि इसको रोका जा सके, जो कि सर्वत्र विद्यमान है. पंजाब के हर इलाकों में, हर एरिया में, हर फैमिली में ये विद्यमान है, 2/3 फैमिली में विद्यमान है. तो ये इसके लिए उनको कुछ और कॉन्क्रीट करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. मोर स्टेप्स आर नीडेड, सॉरी यहां तक तो हो गया था. द डिसीजन ऑफ द पंजाब कैबिनेट टू रिकमेंड द डेथ पेनल्टी टू ड्रग पेडलर इज एन एग्जांपल ऑफ द लेटर. देखिए जो डिसीजन लिया गया कि जो ड्रग पेडलर होते हैं, ड्रग पेडलर मतलब जो ड्रग के व्यापारी होते हैं, घूम घूम कर बेचते हैं, तो उनको मौत की सजा की सिफारिश की गई है. और ये एक एग्जाम्पल है अपने का वादा का, इसको करने के लिए उनको सिफारिश कर दी गई है कि जो ड्रग पेडलर है उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, मौत की सज़ा दी जाएगी. कैपिटल पनिशमेंट मतलब तो मौत की सज़ा. कैपिटल पनिशमेंट इज एबोरेंट. एबोरेंट का मतलब मोरली नॉट बैड, वेरी बैड, बहुत बुरा, नैतिक रूप से बहुत बुरा होता है मौत का पनिशमेंट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. गिवन दैट देयर इज एविडेंस दैट सजेस्ट्स, गिवन दैट देर इज एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, गवाह, सबूत. ठीक है. दैट सजेस्ट मैंने ऐसे गवाह और ऐसे मतलब इंस्टेंसेस, घटनाएं हैं जो सजेस्ट करते हैं. इट इज ऑल्सो नो गारंटी ऑफ डेटरिंग क्राइम, ये कोई गारंटी नहीं है कैपिटल पनिशमेंट की, इससे आप रोक सकते हैं, डेटर कर सकते हैं जो कोई भी चीज है. दिस इज मोर ऑफ एन एम्प्टी सिग्नल्स, ये सिर्फ एक सिग्नल होता है डराने के लिए लोगों को. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वार ऑन ड्रग्स फॉट ऑन सेवरल फ्रंट्स. देखिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव वार इसके लिए जरूरत है व्यापक तौर पे. ऑन ड्रग्स फॉट ऑन सेवरल फ्रंट्स, कई मोर्चों पर जो लड़े जा रहे हैं ड्रग कारोबार, इस लड़ने के लिए इसकी जरूरत है. कई मोर्चों पर ड्रग कारोबार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है. इंक्लूडिंग इंटरवेंशन इन द कम्युनिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस, और इनमें से एक चीज है कि जो कम्युनिटी है उनका हस्तक्षेप चाहिए, जो कि जागरूकता फैलाएं लोगों के बीच में. एंड फोस्टर अ कल्चर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग, और एक संस्कृति का बढ़ावा दे जो कि ड्रग को यूज करने से रोकने का एक बढ़ावा देना चाहिए, एक फोस्ट कल्चर ही डेवलप करना चाहिए. ठीक है. यानी देखिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वार तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद समाज की भी इसमें भागीदारी चाहिए, संस्कृति बढ़ावा देना चाहिए कि ड्रग यूज नहीं करना है, जागरूकता फैलाना है लोगों में, ये सब चीज़ बातें की गई अभी.
द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टेट्स आर ह्यूज, जो स्टेट की जो चैलेंज इसमें चुनौतियां हैं बहुत बड़ी है चुनौतियां। एस्टिमेट्स वैरी बट बाई सम अकाउंट्स एज मैनी एज 2/3 ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन पंजाब हैव अ ड्रग एडिक्ट इन देयर मिडिस्ट। देखिए क्या है कि एस्टिमेट्स जो है वैरी करता है, वैरी मतलब बढ़ना घटना, वो वैरी करना करता है, लेकिन बाई सम अकाउंट्स या एज मैनी एज 2/3 बट कुछ एक एस्टिमेशन के अनुसार जो 2/3 फैमिली है वहाँ पे पंजाब में, उनमें उनके बीच में एक ड्रग एडिक्ट है। पंजाब्स प्रिजन्स आर ओवरक्राउडेड विथ ड्रग यूजर्स एंड पेडलर्स। पंजाब की जो जेलें हैं, जेलें जो भीड़ से भर चुकी है ड्रग यूजर्स और बेचने वाले दोनों से। एंड इट्स स्ट्रीट एंड फार्म्स विटनेस द इजली अवेलेबिलिटी ऑफ नारकोटिक्स एंड ओपिएट्स। देखिए यहाँ के जो गली मोहल्ले और खेत है वो गवाह है कि कहाँ इतना इजीली अवेलेबल है नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थ का और ओपिएट्स का। ओपिएट्स मतलब जो अफीम से जो नशीले पदार्थ बनते हैं, इन सब चीज़ों की भरमार है अपने गली मोहल्ले खेतों में, इजीली अवेलेबल है। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट अरेस्टेड 18,977 पेडलर्स एंड ट्रीटेड सम 2 लाख एडिक्ट्स। लास्ट ईयर पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने 18,977 लोगों को, जो बेचने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट किया और उनको 2 लाख लोगों को ड्रग एडिक्शन का उनको ट्रीटमेंट दिया गया। द शीयर एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम सजेस्ट्स इट इज मोर देन जस्ट अ few profiteers that have been responsible for causing this menace or helping to sustain it। देखिए क्या है, the sheer extent मतलब इसका जो complete अगर बात करें, extent परिधि की बात करें, तो ये suggest करता है यानी इसके थ्रू एक आकलन से अंदाजा लगा सकते हैं कि it is more than just a few profiteers यानी इससे फायदा लेने वाले कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोगों का यह कारोबार है, फ्यू प्रोफिटियर्स है दैट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, जो इसके जिम्मेदार हैं फॉर कॉजिंग द मेनेंस, ये खतरा को करने, ये खतरा पैदा करने वाले, और हेल्पिंग टू सस्टेन इट, सस्टेन मतलब इसको टिका रहने के लिए, यानी ये जो ड्रग का कारोबार है उसमें कुछ ही लोगों के द्वारा ये चलाया जाता है और इसमें वही बेनिफिटेड होते हैं, प्रॉफिटियर्स होते हैं, ये खतरा पैदा करने वाले भी वही है। समवन ऑफ दिस स्केल, इतने बड़े स्केल पे, स्केल मतलब होता है आकलन करना कि कितना बड़ा है, किस स्केल पे है, मैग्नीट्यूड जैसे बोलते हैं ना, इतना मैग्नीट्यूड का स्केल का भूकंप आया, तो स्केल मतलब होता है उसका जो कैपेसिटी आकलन। तो समथिंग ऑफ दिस स्केल रिक्वायर्ड अ वाइड नेटवर्क, इस स्केल पर काम करने के लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए। अ वेल ऑयल्ड एंड स्मूथली रन मशीनरी दैट हैज द सीक्रेट सपोर्ट, एक सपोर्ट चाहिए। वेल ऑयल्ड का मतलब होता है वर्किंग इजिली एंड इफेक्टिवली, तो इतना इजिली और इफेक्टिवली काम करने के लिए और स्मूथली काम करने के लिए एक मशीनरी चाहिए जो कि सीक्रेटली चुपके से सपोर्ट करे आपका, सहयोग करे, कोलेबोरेशन दे ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट, यानी बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बिना गवर्नमेंट में कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं देते हैं चुपके से जैसे भी, तो बिना ऐसे मशीनरी के और गवर्नमेंट के सपोर्ट के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सपोर्ट के, ये इतना बड़ा नेटवर्क पे इतना काम नहीं हो सकता, ये फैलाया नहीं जा सकता इस चीज़ों को। गिवन द ज्योग्राफी द ड्रग्स वेदर इट इज ओपियम और हीरोइन, और अगर ज्योग्राफी की बात करें वहाँ के पंजाब की, तो जो ड्रग हो या फिर अफीम हो या हीरोइन हो, मेक एन ईजी एंड असिस्टेड एंट्रेंस इन टू पंजाब फ्रॉम गोल्डन क्रेसेंट। देखिए गोल्डन क्रेसेंट यानी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पंजाब की जो सीमा है ये इनके इर्द गिर्द पड़ती है, गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, तो यहाँ से इजिली उनको जो है ज्योग्राफी के अनुसार, फायदे के अनुसार उनको अफीम, हीरोइन, ये सब इजिली एंट्री मिल जाती है पंजाब में। एंड सिंथेटिक ड्रग्स आर थॉट टू कम वाया हिमाचल प्रदेश, और ऐसा माना जाता है कि जो सिंथेटिक कृत्रिम दवाएं हैं नशीले, वो जो हिमाचल प्रदेश से आती है।
दैट मीन्स दोज गार्डिंग पंजाब्स 553 किलोमीटर बॉर्डर विथ पाकिस्तान मस्ट टेक सीरियस स्टेप्स टू प्लग द इनफ्लो। यानी इसका मतलब जो पंजाब से लगती 553 किलोमीटर की सीमा है, वहाँ जो गार्डिंग गार्ड करने वाले लोगों उनको ये इनफ्लो को रोकना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा इनफ्लो को। द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑब्वियसली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अमरिंदर सिंह। और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अमरिंदर सिंह के कंट्रोल में नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। Therefore, security planners in New Delhi have to make sure that the border is properly barred to the flow of narcotic substances। यानी ये क्या, न्यू दिल्ली में जो सिक्योरिटी प्लानर्स हैं उनको मैक्श्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वर्जित पदार्थ है उनको वर्जित किया जाए, बार्ड किया जाए, रोका जाए इनफ्लो फ्लो का नारकोटिक सब्सटेंसेस का। यानी नशीले पदार्थ होते हैं उनको बॉर्डर पे ही प्रॉपर ढंग से उनको रोक लिया जाए। दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम, ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रॉब्लम है। एज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ ड्रग दैट लैंड इन पंजाब मेक देयर वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये एक नेशनल प्रॉब्लम इसलिए है कि जो भी लैंड करता है ड्रग पंजाब में उसके थ्रू में ये पूरा रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। गिवन द लिंक बिटवीन ड्रग्स एंड टेरर, और ये लिंक्स पैदा होता है ड्रग और टेरर का लिंक्स पैदा करता है इससे। दिस पोजेस अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और इससे ये एक राष्ट्रीय स्तर पर खतरा, सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है। देन देर आर द पॉलिटिशियंस। द प्रीवियस अकाली दल बीजेपी अलायंस हैड ऑल्सो प्रोमिस टू ड्रेन पंजाब्स वास्ट ड्रग स्वैम्प। देखिए, जो प्रीवियस अकाली दल का जो गठबंधन था बीजेपी और अकाली दल, उन्होंने भी वादा किया था कि रिड्यूस किया जाएगा इनको वास्ट ड्रग स्वैम्प, यानी जो स्वैम्प मतलब एकदम दलदल की तरह फैला हुआ, एवरीवेयर पूरे सिस्टम में घर कर गया, जिसको डील करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने भी वादा किया था इसको। द पोलिटिकल क्लास हैज़ अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन विनिंग द वॉर ऑन ड्रग्स। और पोलिटिकल क्लास हैज़ अ क्रिटिकल रोल, उनका एक काफ़ी क्रिटिकल रोल हो जाता है इस युद्ध को ड्रग के खिलाफ जीतने के लिए। इट इज़ नॉट एनफ दैट पॉलिटिशियंस मेयरली लाइन अप टू हैव देमसेल्फ टेस्टेड फॉर अ ड्रग्स टू विन पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। और ये देखिए, इट इज़ नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है कि दैट मतलब कि पॉलिटिशियंस मेयरली लाइन अप टू हैव देमसेल्फ टेस्टेड फॉर ड्रग्स, और केवल ये लाइनअप कर देना, लाइनअप का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को टुगेदर ऐसा एक इवेंट में भाग लेने के लिए लाइनअप करना कि वो एक टेस्ट करवाएं ड्रग का, और ये सब बोल देने से पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स मतलब होता है कि बस लोगों के लिए दिखाना कि मैंने कुछ किया है, ब्राउनी पॉइंट्स। तो ये राजनीतिक तौर से ब्राउनी पॉइंट्स को पूरा करने के लिए सिर्फ अगर करना चाहें पॉलिटिकल, तो इससे ड्रग का कारोबार रुकने वाला नहीं है। दे नीड, उनको ज़रूरत है टू पुट द स्टेट एंड द नेशन अबव, उनको राष्ट्र और जो राज्य है से ऊपर उठना पड़ेगा। दे नीड टू पुट द स्टेट एंड द नेशन अबव, सॉरी, उनको जो है राज्य और राष्ट्र को ऊपर रखना होगा सेल्फ सर्विंग पॉलिटिकल एंड्स, और अपने जो निजी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा उनको ख़त्म करके उनको राज्य और नेशन को ऊपर रखना होगा। एंड agree that this battle must be fought in concrete ways, और उनको ये चीज़ समझना होगा कि बैटल जो है, युद्ध है, वो लड़ना पड़ेगा एक कॉन्क्रीट वेज में। कॉन्क्रीट मतलब एक स्ट्रॉन्ग वे में उनको लड़ना होगा जिससे इसको ख़त्म किया जाए। गोइंग बियॉन्ड फोटो ऑप्स एंड साउंड बाइट्स, फोटो अपॉर्चुनिटी से परे और साउंड बाइट्स से ऊपर उठ करके इनको काम करना होगा कॉन्क्रीट वेज में, तभी इन सब चीज़ों से लड़ा जा सकता है। फोटो अपॉर्चुनिटी हुआ इसका मतलब, और साउंड बाइट्स मतलब मीडियम बाइट्स देना। तो ये बात रही दोस्तों आज के एडिटोरियल की, ठीक है। ये पंजाब में जो खतरा है बहुत व्यापक हो गया है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो 2/3 हाउस होल्ड हैं वहाँ उनके बीच में एक ड्रग एडिक्ट है, और पंजाब की जेलों में ड्रग से
ड्रग के कारोबारी, जो ड्रग के यूजर्स और कारोबारी भरे पड़े हैं, और केवल एक डिसीजन दे देना कि एनुअली आपका जांच कराना होगा, ये काफ़ी नहीं है। उनको रोकना पड़ेगा जड़ से, और गवर्नमेंट की मशीनरी में इसका सपोर्ट है, उनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ से सपोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, जिससे कि बॉर्डर पे ही रोक दिया जाए इस तरह की जो अफीम और इससे नशीले पदार्थ जो ट्रांसपोर्ट होके आते हैं अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से। तो ये पूरा एडिटोरियल है दोस्तों, जो ड्रग्स से रिलेटेड था पंजाब का, और यहाँ पर बात की गई थी कि पोलिटिकल लोगों को अपने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये किया वो किया, ऐसे करने से नहीं होगा। अगर सच्चे दिल से अपने राज्य और देश का भला चाहते हैं तो कॉन्क्रीट प्लान के थ्रू में आपको एक्शन लेना होगा, जिससे कि इसको रोका जा सकेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।